हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी, और जो बहुत ही हेल्दी है और जो रिच इन प्रोटीन है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रेला सोया ग्रैन्यूल से आज हम अपनी रेसिपी इससे बनाएंगे, और एक नहीं दो दो रेसिपी बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो सोयाबीन होती है ना, उसी की ग्रैन्यूल्स हैं, तो इसको हम ओपन कर लेंगे और कट कर लेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये बनकर बहुत टेस्टी लगेगा, यकीन मानिए। जब मैंने इसको बनाया और इसको खाया तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो चलिए, तो हम ये 2 कप ग्रैन्यूल्स लेंगे और इसको पानी में डिप करेंगे। हमें इसको पानी में डिप कर धोना है मसल मसल कर, क्योंकि इसमें जो एक स्मेल होती है या एक जो महक होती है उसको हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर आप रनिंग वाटर में बस धोएंगे तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, इसलिए आपको बार बार इसको पानी में डिप कर मसल कर ही धोना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने फिर से इसको वॉश कर लिया था। अब एक बार फिर मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, इसको फिर मसलूँगी, और जितना आप पानी में धोएंगे इसका कलर और साफ़ होता चला जाएगा। तो फिर से हम इसको वॉश कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस मेरी एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों में शेयर करिए। देखिए, काफ़ी हद तक अब ये साफ़ हो चुका है, और हम इसको अगेन पानी में डिप करेंगे, फिर से धोएंगे। अब हम इसको फाइनली धोएंगे रनिंग वाटर में। तो चलिए, अब हम इसको रनिंग वाटर में वॉश कर लेते हैं एक बार। ये हमारा फाइनल वॉश था। तो हमने देखिए कि हमने इसको कितनी बार इसको वॉश किया है, जिससे कि इसमें बिल्कुल स्मेल ना रहे। अब हम इसे को पानी में सोक करने के लिए रखेंगे, बट गर्म पानी में। तो मैं ओवन में रख रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल गैस पर भी गर्म करके रख सकते हैं, जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए रखूँगी, मैंने टाइम सेट कर दिया है, और अब मैंने इसको रख दिया है। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। तो देखिए, पानी में से काफ़ी धुआं निकल रहा है, और ये अब जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, एक पैन में ऑयल डालना है। मैं वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो डालिए। तो जब हमारा ऑयल हीट हो जाएगा ना, तो हम एक इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है इसमें। अब हमें इसको पिंक करना है, जब ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इसको बस पिंक करना है। सौते करिए प्याज को। आप देखिए, इसने अपना कलर चेंज होना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने ये हरी मिर्च ऐड करी है, 5-6, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करिएगा। और बस इसको थोड़ा सा स्टर करिए। अब हम इसमें अपने 1 टमाटो जो मैंने लार्ज साइज़ का कट कर लिया था वो ऐड कर दिया। अब इसको फिर से मिक्स करिए, स्टर करिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इसे सब्ज़ी जैसा नहीं पकाना है बिल्कुल। हमें इसे नॉर्मल एक इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। अगर हम इसमें हल्दी, धनिया ये सब डाल देंगे तो वो एक सब्ज़ी वाला फ्लेवर आने लगेगा, यू नो। तो हमें इसको नॉर्मली पकाना है। बस अब हमें इसे कवर कर देना है। थोड़े से टमाटोज अपने सॉफ्ट कर लेंगे। अब ओपन करेंगे तो हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं कुछ, वो मैं ऐड कर देती हूँ। और ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अगेन स्टर करिए, इसको मिक्स करिए। और इसमें अब हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। थोड़ी सी अभी डालेंगे, थोड़ी सी बाद में डालेंगे। और उस साइड में हम जो हमारे सोक हुए हुए थे ना ग्रैन्यूल्स, उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे, अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे और दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, ऐसे जैसे मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। अब ये सभी अपने ग्रैन्यूल्स इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और बस इसको बहुत ही केयरफुली हमको इसको चला लेना है। इसको केयरफुली चलाइएगा और अच्छे से इसको खूब, जब बढ़िया से आपस में मिक्स ना हो जाए ना, तब तक इसको आप ऊपर नीचे अलट पलट करके चलाते रहिए। देखिए, अभी से ही कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। आप अगर चाहें ना तो इसको ऐसे भी मतलब खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं ऐसा सब्ज़ी समझकर, बट ये सब्ज़ी नहीं है, ये हमने स्टफिंग तैयार की है। लेकिन आपको अगर ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बस थोड़ा सा और कोरिएंडर लीव डाल दीजिए और इसको मिक्स करिए। थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको, मींस इस टोटल प्रोसेस में
15-20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जिससे कि ये कुक हो जाएंगे, कच्चे नहीं लगेंगे। तो देखिए अब ये बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, ब्रेड की स्लाइसेस लेनी है। मैंने चारों एक साथ रख दिए हैं, क्योंकि अब बस सब्र नहीं हो रहा है कि मैंने चारों एक साथ पकानी है। वैसे तो दो दो करके पकाएंगे, लेकिन बस मैंने चारों एक साथ रेडी कर लिए हैं। मैंने मायोनीज डाली है, अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप कुछ भी चटनी वगैरह डाल सकते हैं। तो बस इसको स्पून से स्प्रेड कर देंगे अपनी मायो को। मुझे थोड़ा सा इसमें क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें मायो ऐड किया है। आप चटनी भी डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब मैं अपनी स्टफिंग इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में। ये खाने में बहुत टेस्टी था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि नॉन वेज सैंडविचेस खा रहे हैं हम। बस इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और इसमें मैंने चीज़ स्लाइस ऐड किया है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था चीज़ स्लाइस ऐड करने का और चीज़ वाले खाने का। अगर आपको नहीं ये खाना है तो कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी सॉसेस डाल दीजिए या कोई मलाई डाल दीजिए या चटनी वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ना मैंने जैसे बताया क्रीमी चाहिए था, इसलिए मैंने लगाया। मेरी बेटी बोल रही है पीछे से, तो उसी के आपको साउंड आ रहा होगा। पहले मैंने रेड चिली पेस्ट डाला है, फिर मैंने सॉस डाली है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, अब हम ग्रिल करेंगे। मैं इसको अपने टोस्टर में ग्रिल करूँगी। आप चाहें तो इसको तवे पे भी सेक सकते हैं या ग्रिल पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बटर या घी, मैं देसी घी डाल रही हूँ। और अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। ऊपर नीचे दोनों साइड में आप घी या बटर ऐड करिए। और अब मैं अपने सैंडविचेस इसके अंदर रख देती हूँ, दो दो करके हम करेंगे। और इसको लॉक कर देती हूँ, ये ऑटोमेटिक होता है तो अपने आप ही इसमें लाइट जल जाएगी। तो देखिए सारे सैंडविच मैंने ग्रिल कर लिए थे और मैंने सब कट करके भी रख लिए हैं। और अब मैं आपको एक कट कर दिखा देती हूँ। और जब भूख लग रही हो ना, तब कुछ ऐसा बनाए तो फिर दिल करता है कि सारे खा जाएं। तो बस इस टाइम हम लोग को काफ़ी भूख भी लग रही थी और खाने में तो टेस्टी थे ही। तो अब देखिए मैंने इसको प्लेट कर लिया है अच्छे से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, हेल्दी हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है। सोयाबीन तो वैसे ही काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अब हम तो चले खाने। सो अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये हमारी पहली रेसिपी थी इसी ग्रैन्यूल्स की, अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगर आप इसको डबल करके खाएंगे ना, तब भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, हमने भी कुछ उसी तरीके से किया। एक तीर दो निशाने, टेस्ट डिफरेंट, एक चीज़ से दो दो टेस्ट ले लिए। तो आटा ले लेंगे गेहूं का, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब हम पराठा बनाएंगे ना, तो पराठे के लिए हमें डो सॉफ्ट चाहिए होता है। तो बस इसमें पंचिंग मारिए और क्या, बस इसका डो तैयार कर लीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट है, इसको कवर करके रख दीजिए। आप 15-20 मिनट बाद चेक करिए, थोड़ा आटा सेट हो जाएगा 15-20 मिनट के बाद। और दो चार फिर से मुक्के मारिए और बस अब ये रेडी है पकाने के लिए। तो ये हमारी है स्टफिंग ग्रैन्यूल्स की, इसको हम पराठों में यूज़ करेंगे। अब जल्दी से प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने एक आटे की लोई ली है, थोड़ी बड़ी सी लोई लेंगे पराठे के लिए, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठे हैं। अपनी लोई को तैयार करिए और मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि दो तरीके से स्टफिंग कैसे फिल करते हैं। एक बिगनर्स वाली होगी और ऑफ कोर्स दूसरी होगी प्रोफेशनल्स वाली। तो सबसे पहले मैं प्रोफेशनल्स वाली बता देती हूँ कि प्रोफेशनल लोग कैसे फिल करते हैं स्टफिंग को। तो इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और इसमें देखिए कितनी सारी स्टफिंग भरेंगे और इसको हाथों से ही पैक कर देंगे।
तो देखते जाइए कि मैं किस अपने तरह से हाथों से बंद करूंगी, सील पैक करूंगी इसको। बस ऐसे पकड़ते जाना है, अंदर से दबाते जाना है, और इसको सील पैक कर दीजिए। बस ये रेडी हो गया है। अब तो मैं खैर ऐसा ही बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं इस तरह से नहीं बना पाती थी, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप बनाते बनाते आपको भी आ जाएगी। बस इसको आराम आराम से रोल कर लीजिए अपने पराठे को। आप चाहें तो इसको मोटा भी रोल कर सकते हैं, या आप इसको पतला भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आपका पराठा फटता है तो इट्स ओके, इट्स टोटली परफेक्ट, कोई बात नहीं। इससे भी थोड़ा एक क्रंची फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो बस तवे पे अपने पराठे को सेक लीजिए। जब एक साइड से सिक जाए, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, तो इसको फ्लिप करिए, और दूसरे साइड आपको पराठे को मीडियम गैस पर सेकना है। अब इसमें ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें वो ऐड करिए, इसको स्प्रेड करिए। इसकी साइड फिर चेंज कर दीजिए, और अब दूसरे साइड पर भी घी ऑयल डालिए, इसको स्प्रेड करिए। अब देखिए गोल्डन चित्ती आने तक आप इसको पकाइए दोनों साइड से। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे ये पराठा का स्टफिंग फिल किया था। पहले जब मैं भी देखती थी ना, तो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता था कि मतलब कितने इजीली ये लोग पराठे की स्टफिंग को फिल कर लेते हैं। देखिए इजीली ये फिल हो चुकी है। अब हम इसको फिर से रोल कर लेते हैं। आपको थोड़ा आहिस्ता से इसको रोल करना है, ताकि ये साइडों से ना फटे। वो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दी है वीडियो, अदरवाइज मैंने भी आराम से ही रोल किया था। तो दूसरा भी अब हम सेक लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड पर, जो मैंने आपको कहा था। तो इसके लिए हम अपनी लोई को बेलन से बढ़ाएंगे और आधा रोल कर लेंगे। अब हमें इसको नीचे ही रहने देना है ऐसे, और अब हमें इसके ऊपर अपनी स्टफिंग डालनी है। तो देखिए मैंने इसमें भर के 3 चम्मच स्टफिंग डाली है, और अब देखिए मैं इसको कैसे पैक करती हूँ। ये मेथड भी काफ़ी इजी होता है। पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, पर अब मैं कैसे भी बना लेती हूँ। अब मैं तो बस अब हम इसको रोल कर लेंगे। आटे को डस्ट करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये चिपके ना। अब इसको रोल करिए। अगेन मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरी ग्रोथ में मेरा साथ दीजिए, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे नए नए तरीके। मैं यूं ही आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और अभी हम तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन चित्ती आने तक हम इसको पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम गोल्डन चित्ती आ चुकी है पराठे के ऊपर। जूम करके दिखा देते हैं हम आपको, और हमारे पराठे अब बिल्कुल बन के तैयार हैं। तो अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। ये तो मैंने इसको सॉस के साथ और मायो के साथ सर्व किया है, और आपको पराठों के साथ अगर खाली अच्छे लगते हैं तो आप खाली इंजॉय करिए, और अगर आपको चाय के साथ अच्छे लगते हैं तो आप चाय के साथ इंजॉय करिए। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो देखिए अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, और ये डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि हम सबको भी बहुत अच्छे लगे थे, और ये हेल्दी तो है ही, तो इसलिए भी इसका और खाने का दिल करेगा। सो, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस जल्दी से देखिए, अब
अब मैंने यहाँ बना ली है चाय, तो मैं अब चाय के साथ सर्व करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय बहुत पसंद है, तो मैं अब उनको पराठा सर्व करने जा रही हूँ विद चाय गर्मा गर्म। तब तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग लाइव विद आफरीन नाज, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।